अब से 11 साल पहले लगभग 2012 में OMG मूवी आई थी, जिस मूवी का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके का रिस्पांस रहा था ऑडियंस के द्वारा, और इस मूवी ने लगभग 150 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। यह मूवी बेस्ड थी नास्तिक कांजीलाल के ऊपर, जिसका घर भूकंप की वजह से गिर जाता है और यह नास्तिक कांजीलाल भगवान के ऊपर केस कर देता है। लेकिन अब मेकर्स इस मूवी का दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसका नाम रखा गया है OMG 2, और यह आस्तिक कांति शरण के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। कांति पेशे से एक एडवोकेट है। इनकी जिंदगी उतार चढ़ाव की तरह चल रही है, लेकिन एक ऐसा दिन आता है जिस दिन कांति सरन के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है, और उस हादसे की वजह से भगवान शिव को आना पड़ जाता है। OMG 2 मूवी का टीजर आ चुका है, जिसका रन टाइम है लगभग 1 मिनट 26 सेकंड का। इस टीजर को देखने के बाद मैं इस टीजर से नाराज हूं, क्योंकि मैं आधी से ज्यादा इस मूवी की स्टोरी को प्रेडिक्ट कर सकता हूं सिर्फ और सिर्फ टीजर देखने के बाद। सभी कुछ इस मूवी के टीजर में हमको देखने को मिल जाएगा, तो मूवी देखने का क्या फायदा रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि इस मूवी के टीजर देखने के बाद मुझे विजुअल्स खराब लगे, क्योंकि विजुअल्स सही हैं। मुझे लगता है कि मेकर्स ने इस मूवी पर अच्छा खासा काम किया है, जैसे कि हमारे अक्षय कुमार का एकदम नया लुक। आज तक ऐसा लुक मैंने अभी तक नहीं देखा है अक्षय कुमार जी का। और हाँ, टीजर में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है वो मुझको सुकून दे रहा है, क्योंकि इस मूवी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अरुण गोविल जी के लिए इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि हमको दोबारा से अरुण गोविल जी राम के अवतार में देखने को मिलने वाले हैं। तो जी हां गुरु, अरुण गोविल जी जो कि लॉर्ड राम का रोल करते हुए नजर आएंगे, तो मजा आएगा यार। इसी चक्कर में इस मूवी का मैं इंतजार कर रहा हूँ। और तो और, अक्षय कुमार इसमें लॉर्ड शिव का रोल करते हुए नजर आएंगे। एज यूजुअल मुझे टीजर सही लगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी की टीजर को लेकर, हमको कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।